अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज की इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ कि मैंने अपने घर पे कौन कौन से जानवर रखे हुए हैं, और तो आपको इस वीडियो में आपको अपने जानवर दिखाऊंगा और परिंदे भी दिखाऊंगा कि मैंने कौन कौन से परिंदे रखे हैं, क्योंकि मुझे और मेरे घर वालों को परिंदे और जानवर पालने का बहुत शौक़ है और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी होते हैं। तो कुछ लोग बेनिफिट्स को मानते हैं और कुछ लोग नहीं समझते, तो हम बहुत समझते हैं, तो इसलिए हमने रखे हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको अपने जानवर दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप ये देखें, ये है बिल्ली, ये हमारे घर पे इसने तीसरी दफ़ा बच्चे दिए हैं और इसके बच्चे वो कोने में है, वो भी दिखा दूँगा आपको अगर इस वीडियो में पॉसिबल हो तो। बाकी मैं आपको अपने पालतू जानवर दिखा दूँ इसके अलावा। तो कैमरा मूव घुमा देता हूँ, मैं आपको रैबिट दिखा दूँ, जैसा कि आप रैबिट देख रहे होंगे। और ये रैबिट है और ये बकरी का बच्चा है, और आप देख सकते हैं ये हमने पाला हुआ है, और एक ये पाला हुआ है, और एक ये दुम्बा है, और उसके अलावा वो बकरी देखें वो पाली है। फिर उसके बाद हम आएंगे तो यहाँ पर हमने मुर्गियाँ पाली है, आप देख सकते हैं मुर्गियाँ हैं हमारी। तो हमें परिंदे पालने का बहुत शौक़ है, और आपको और खरगोश दिखाता हूँ, तो आप चलें मेरे साथ। और भी खरगोश है मेरे पास, तो वहाँ पर देखें खरगोश बैठा हुआ है, और एक खरगोश वहाँ पर है आप देख सकते हैं। और फिर हम यहाँ दिखाएंगे केज में, ये केज में छोटे बच्चे हमने रखे हुए हैं और कुछ बड़े भी हैं, इसलिए रखे हैं ताकि बिल्ली ना खाए इनको, क्योंकि बिल्ली बहुत शौक से खाती है। तो आप देख सकते हैं ये हमारे इतने सारे माशाल्लाह से खरगोश हैं, देखें कितने प्यारे प्यारे हैं। और ये सब इसके बच्चे हैं, और ये वाला बच्चा पहले का है, दो महीने पहले, और ये जो है एक महीने के बच्चे हैं अभी भी दिए हैं। तो हम देख सकते हैं ये थोड़े घबरा रहे हैं। तो आपने तो व्यूअर्स आपने मेरा जो है वो देख लिया, हमने अपने घर में कौन कौन से जानवर पाले हुए हैं, क्योंकि हमें पसंद है जानवर, तो इसलिए हमने जानवर रखे हुए। तो मैंने कहा सोचा कि आज आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, आप लोगों को दिखा दूँ। तो आई होप आपको ये मेरे जानवर अच्छे लगेंगे। आप ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी, और लाइक करना ना भूलिएगा, और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।